नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिस बात का अंदेशा हम लोगों को था कि दुर्योधन भीम पर भारी पड़ेंगे, वो दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उन पे किसी प्रहार का असर ही नहीं हो रहा है। जैसा कि पहले से सब लोग जानते थे कि पांडवों का एकमात्र छत्र है भीम, यानी कोई भी आपदा आती है अगर पांडवों पे तो सबसे पहले आगे आते हैं भीम, वो प्रहार अपने सीने पे झेलने के लिए। और आज भीम का सीना कहीं ना कहीं इस वक्त आहत हो रहा है दुर्योधन के प्रहारों से, क्योंकि दुर्योधन के बल पर सभी भाइयों को गर्व। अब दुर्योधन ने उनको अपना अप्रतिम बल दिखा करके वज्र के शरीर से कहीं ना कहीं भीम इस संशय में अवश्य होंगे कि ये अचानक से इनको क्या हो गया है। एक नई नवेली कहानी सुना दी है उन्होंने कि 99 धृतराष्ट्र पुत्रों का जो तुमने वध किया है, उन सभी पुत्रों ने अपने बड़े भाई को अपना अपना बल प्रदान कर दिया और आज तुम एक से नहीं बल्कि 100 से लड़ रहे हो, 100 धृतराष्ट्र पुत्रों से। अब खैर, तरीके से ये सब प्रकरण खत्म होता है, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 260 पार्ट 1 में। देखो पांडवों, वैसे इसके मरते ही तुम सब मर ही जाओगे। देखो किस प्रकार तुम्हारा ये महाबली भाई धीमे धीमे मृत्यु को प्राप्त होता है। आज संजय जब बता रहे होंगे दूसरा मेरा वीर पुत्र। अभिषेक की तैयारी करो। पूरा जोर लगा देंगे। दुर्योधन को कितना आनंद मिल रहा होगा ना, ये मेरा शरीर। भाई ये मतलब एक बात देखने लायक है, कल ही आपने नया नया इक्विपमेंट लिया, आज इसका ट्रायल हो गया। भाई एक चीज तो है, बाहर का तो असर नहीं हो रहा है, लेकिन बल भी मिल गया है। अब भाई फोर्स जीरो मास इंपैक्ट एक्सेलरेशन यार, 99 भाइयों मास बढ़ गया है ना इनका वज्र का। 99 प्रहारों से तुम्हारी मृत्यु करूंगा भीम, मेरी हर पीड़ा का अनुभव करवा के तुम्हें तुम्हारी मृत्यु दान में दूंगा। खोपड़ी में मुक्का मारा या खोपड़ी मारी? अच्छा खोपड़ी मारी, लोहा है भाई। आप मतलब भाई कोई तो अंग लूंगा ना मैं नाम। रातार्जुन, वासुदेव, दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया। न्यूज लीक हो गई भाई, कैसे? इसीलिए भ्राता भीम के प्रहारों से दुर्योधन को कोई क्षति नहीं हो रही। विकट समस्या है ये माधव। माधव विवश है। भ्राता भीम को इसका मार्ग स्वयं ढूंढना होगा पार, किंतु हमें भ्राता भीम की सहायता करना आवश्यक है वासुदेव। भ्राता दुर्योधन का ध्यान कहीं और केंद्रित करना होगा। बात तुम मामा श्री शकुनी को द्वंद का आवाहन दो। मामा की वारी, अपनी मृत्यु देखेंगे तो अपने रक्षण हेतु भ्राता दुर्योधन को अवश्य पुकारेंगे। मेरे बच्चे, ये सैनिकों को मार मार के खुश हो रहे हैं पीठ पीछे से। मामा श्री, अब आपकी मृत्यु का समय आ गया, दूसरी आंख बंद होने का समय आ गया मामा। बच्चे नकुल, मेरी मृत्यु का प्रण तुम्हारे भ्राता सहदेव ने लिया है। भूल गए, आपके प्राण अवश्य सहदेव के वार से ही जाएंगे। आपका छल, आपका कपट, आपका धर्म और आपकी द्युत विद्या बहुत मैल है आपके भीतर, और उसे निकालेंगे हम सारे भाई। आ, 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 आ,
अवसर मिल जाए टांग से लड़ा है लंगड़ू प्रधान बोल लो आखिरी बार बोल लो जाने वाले हैं पकड़े गए एक क्षण मेरे बच्चे एक क्षण सुस्ता लो थोड़ा कटार निकालेंगे अपने लग तो रहा है कुछ तो प्लानिंग है तो मुझे लगा भागेंगे भाई मुझे लग रहा है देखो देखो भगवान का दूसरा नाम है रामचंद्र और ये भी भाई बुद्धि में कम कर ही रहा है मदराज मेरी बताए अगर मदराज आप हमारी सेना के सर सेनापति हैं मेरी रक्षा का उत्तर मेरा रक्षण कीजिए जाइए अवश्य पुत्र मुझसे प्रहार करो वैसे भी गांधार के महाराज सुबल ने अपने पुत्र का नाम शकुनी रखकर बहुत बड़ी भूल की शकुनी तो बाज को कहते हैं जी तो गांधार के पर्वतों में रहने वाला गिद्ध है गिद्ध कुछ शिकार नहीं कर सकता मरे पशु का मांस खाकर जीता है भाग जाइए गांधार राज धन्यवाद मदराज आज मैं आपकी सुन लूंगा कोई बात नहीं इनके जुलते आड़े आ जा रही है बाजने की कार्ती शीघ्र चलो पूरब की ओर नहीं नहीं पश्चिम नहीं सीधा चलो सीधा इसको दिशा नहीं समझ में आ रही है किधर जाना है कोई नोट टेढ़ी हो गई है भाई माले की कोई खरोच नहीं भाई 12 मोड से मार अब अटैक की बारी अब मैं मारू राजेश शल्य की मृत्यु आ गई है सब आज वचन में तो वैसे भी ठहरो नकुल मैं पराजय स्वीकार करता हूँ मेरा वध मत करो ये आप क्या कह रहे हैं मामा श्री अंत समय आते ही प्राण प्रिय हो गए शरणागति मांग कर पूर्वजों को लज्जित कर रहे हैं नहीं पुत्र प्राण नहीं मुझे मेरी बहन मातरी के पुत्र अधिक प्रिय है तुम अपने हाथों से अपने मामा का वध मत करो सम्राट युधिष्ठिर मेरे इस भांजे को इस लांछन से मुक्त कीजिए मुझे क्षमा कीजिएगा मामा श्री मामा श्री
पुत्र आसुमत बहाना, मैंने ये बलिदान धर्म की स्थापना के लिए दिया है। मैं सुख से जा रहा हूं, मेरा आशीर्वाद है तुम सबके साथ, तुम्हारी विजय हो। हमारी माता को हमारा प्रणिपात कहिएगा। कितना सही चित्रण किया है योद्धा का। पुत्र, दुर्योधन को उसकी माता ने तपस्या का फल दिया है, उससे उसका देह वज्र का हो गया है। उसकी मृत्यु के लिए कोई उचित उपाय ढूंढना, जब तक वो उपाय मिल न जाए तब तक राजकुमार भीम का रक्षण कर। मामा श्री, नहीं इनकी हालत गंभीर बहुत गंभीर है। जान ले। अच्छा, 97 प्रहार कर चुके हैं। 98 भाइयों का बोलेंगे ना, एक एक हाथ दिखाओ। 98। अरे मेरा तो रफी उड़ा दिया गया। भगवान का एक और नाम है रणछोड़ नाम से जाने जाते हैं। भगवान के बराबरी अगर विरोधी पक्ष में कोई है तो वह है मामा शकुनी। तो उनको भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, रण छोड़ने का प्रयत्न उन्होंने भी किया। इससे ये पता चलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा लड़ने में अपना सामर्थ्य नहीं जताता है। कई बार युद्ध छोड़ना भी उसकी युद्ध की एक कला योजना होती है। बात करें दूसरी तरफ तो जिस प्रकार से मामा शल्य की मृत्यु हुई, योद्धा की सीख मिली हमें। एक योद्धा को केवल एक ही धर्म समझ में आता है, वो क्या है? युद्ध, और युद्ध में वीर गति। पक्ष कोई भी, मैंने जिस पक्ष में वचन दे दिया उस पक्ष से मैंने बिना संकोच किए अपने पूर्ण सामर्थ्य से युद्ध किया। देखा जाए तो मामा शल्य 18वें दिन मरे हैं। इसका मतलब यह है कि 18 दिन का पूरा युद्ध उन्होंने किया और पूरी तल्लीनता से। भीम की हालत गंभीर होती जा रही है। भीम से 98 प्रहार कर चुके हैं। दुर्योधन अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध गदा से ले रहे हैं। गदा का प्रहार झेलने के लिए क्षमता होनी चाहिए। चलिए फिलहाल मित्रों, अभी देखनी है मामा की मृत्यु। मामा की मृत्यु, किस प्रकार भीम का रक्षण करेंगे चारों भाई, और किस प्रकार योजना बनाकर समाधान निकाला जाएगा इस वज्र शरीर का। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे राधे।